को यहाँ पर मत लेके आया करो। बेटा तुम यहीं बैठना, मैं फटाफट अपना काम निपटा लूं, फिर बाजार चलेंगे दिवाली की शॉपिंग करने। हाँ बेटा। ओ गॉड, अब ये गरीब लड़की मुझसे सामान लड़ाएगी। अरे कैसे पैसे, जाओ यहाँ से, जब महीना पूरा होगा तब आना। गरीब 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 गरीब, तंग आ गई हूँ मैं इस शब्द से। वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है ना आरती। पापा जो आपने मेरे को न्यू ड्रेस खरीद के लेके दी थी ना, वो चोरी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गाइस हमारे न्यू चैनल RS1313 शॉर्ट्स पे फर्स्ट वीडियो आने वाला है, जो हमने स्पेशली बनाया है हमारे शॉर्ट वीडियोस के लिए, लाइक कॉमेडी, डांसिंग, शॉर्ट मॉडल स्टोरीज। और अगर आपने अभी तक हमारा न्यू चैनल RS1313 शॉर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अभी करो सब्सक्राइब, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्ते साहब। नमस्ते। और ये क्या, तुम इसको फिर यहाँ पर ले आई? तुम्हें कितनी बारी मना किया कि इसको यहाँ पर मत लेके आया करो। साहब हमने दिवाली का सामान लेने जाना था तो ये मेरे साथ ही आ गई। अरे खैर छोड़ो, इसको बोलो एक जगह पर टिक के बैठे और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी जी साहब, ये बिल्कुल कोई शैतानी नहीं करेगी। बेटा तुम यहीं बैठना, मैं फटाफट अपना काम निपटा लूं, फिर बाजार चलेंगे दिवाली की शॉपिंग करने। हाँ बेटा बैठो बैठो। ये क्या कर रही है? नमस्ते दीदी। तेरा ऐसा लेवल ही है कि तू हमारी चेयर पे बैठे, चल हट यहाँ से। पर दीदी। ओ गॉड, अब ये गरीब लड़की मुझसे सामान लड़ाएगी। बेटा तो उधर बैठ जाना। ठीक है मम्मा। जब देखो आ जाती है गरीब कहीं की। चॉकलेट वाला दूध चाहिए। अभी बना देती हूँ बेटा। मम्मा हम बाजार कब जाएंगे? बेटा मैं अपना काम निपटा लूँ फिर चलते हैं, और मुझे साहब से एडवांस भी मांगना पड़ेगा ना। मम्मा मुझे फ्रॉक चाहिए और घर को सजाने के लिए दियास, कैंडल्स और बंदरवार भी चाहिए। सब ले दूंगी बच्ची, सब ले दूंगी। A few moments later. आरती आरती आजा बेटा। मम्मा पैसे। हाँ हाँ आजो। भाई इस बार दिवाली पे तो धूम मचा देंगे यार, मैं तो कल ही जा रहा हूँ मॉल शॉपिंग करने। ऐसा कर तू भी आ जा, भाभी को भी ले आ, और मैं पुनीत को भी बुला लूंगा, वहां मिलके गेट टुगेदर करेंगे यार, मजा आ जाएगा। साहब अरे यार तुम एक कल का प्लान बता मेरे को, क्या प्लान अब तेरा फाइनल है? साहब अरे अच्छा सुन, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। क्या है? साहब कुछ पैसे मिल जाते तो, दिवाली आ रही है, कुछ सामान खरीदना था। अरे कैसे पैसे, जाओ यहाँ से, जब महीना पूरा होगा तब आना। साहब दिवाली आ रही है, अगर आप कुछ एडवांस दे देते तो मैं आरती को नए कपड़े ले देती। एक तो हम तुम्हें इस माहौल के अंदर अपने घर में रख रहे हैं, आजकल पता है कितना मुश्किल है और कितना रिस्की है किसी बाहर के बंदे को अपने घर में बुलाना और काम करवाना। ये तो तुम पुनीत के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, हमने तुम्हें अपने घर में रख लिया। एक भी दिन पहले पैसा नहीं मिलेगा, जब तक महीना खत्म ना हो अपनी शक्ल मत दिखाना। पर साहब दिवाली, तुमने अपनी बेटी को सिखाया नहीं कि तुम गरीबों के लिए दिवाली के त्योहार का कोई मतलब नहीं है? हाँ साहब, हमारे
तुम्हारे लिए तो हार का क्या मतलब? मम्मा, अब हम सामान कैसे लेंगे? बेटा, शायद हमारे नसीब में दिवाली मनाना है ही नहीं। चलो यहाँ से। आए बड़े, दिवाली मना ले। उदास मत हो बेटा, जिसके नसीब में जो होता है उसी उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। हर रोज शनाया दीदी नए नए कपड़े पहनती है, अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलती है। ये सब उनके पास हो सकते है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा हम गरीब हैं। गरीब 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 गरीब, तंग आ गई हूँ मैं ये सब से। अगर ये सब उनके पास हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? मैं पापा को कह रही हूँ मेरे लिए कपड़े खरीद के भेज देंगे। फोन कहाँ है? कहाँ है फोन? बेटा उन्हें फोन मत करो, पापा की तो खुद की नौकरी चली गई है, उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा आप उदास मत हो, मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी खा लो। The next day. आज तो बहुत मजा आया, पापा ने हमें बहुत सारी शॉपिंग करवाई। अच्छा दिखाओ क्या क्या लाए। ये देखो, नए कपड़े, डेकोरेशन का सामान और बहुत कुछ लाए हैं। और हम टॉयज भी लाए हैं। और दिवाली के लिए दिए और कैंडल्स तो लाए हो ना? अरे हाँ हाँ, बहुत सारी। चलो बढ़िया है, अब दिवाली पे बहुत मजा आएगा। हाँ जी, खूब मजा आएगा। दिखाओ ना मुझे क्या क्या सामान लाए, दिखाओ। ओके दिखाते हैं। A few moments later. नमस्ते साहब। अरे मैंने तुम्हें मना किया है ना, इसको मत लाया करो। वाओ, कितनी सुंदर ड्रेस है ना आरती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रेस को हाथ लगाने की? सॉरी दीदी। रोज रोज हमारे घर आ जाती है, मेरी ड्रेस पे अपने गंदे हाथ लगा दिए। ये अच्छा मौका इससे जान छुड़ाने का। चोरी हो गई, चोरी हो गई पापा, चोरी हो गई। क्या हुआ बेटा? पापा, जो आपने मेरे को न्यू ड्रेस खरीद के लेके दी थी ना, वो चोरी हो गई। क्या? हाँ जी। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, हम बहुत ही एंटरटेनिंग सस्पेंस मॉरल स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टोरी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। गाइस गो एंड सपोर्ट, वी नीड योर लव, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ।